दिस लेसन विल प्रोवाइड गाइडेंस एन हाउ यू कैन यूज द करिकुलम एन प्रिपेरेशन फॉर डिवेलपिंग योर इंस्ट्रक्शन अपने तदरीज को तैयार करने के लिए करिकुलम को कैसे इस्तेमाल करेंगे इस हवाले से इस टॉपिक uh, में गाइडेंस होगी मेजर फोकस छः बातों पर होगी नंबर वन द लर्निंग साइकिल नंबर टू बिल्डिंग एंड प्रियोर नॉलेज थ्री प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स फॉर लर्निंग फोर एक्टिव लर्निंग फाइव एडिशनल स्ट्रेटेजी एंड सिक्स स्पेशल कंसिड्रेशन वेन प्लानिंग असन सबसे पहले द लर्निंग साइकिल को देखते हैं द लर्निंग साइकिल द लर्निंग साइकिल मॉडल थ्योरी है और ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को आ, की हौसला अफजाई करता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बजाय और ये पियाजे की लर्निंग थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल पे बनाई गई है लर्निंग uh, साइकिल में तीन स्टेजेस होते हैं जो कि एक ही टीचिंग सेशन से वो कंप्लीट नहीं होते सबसे पहले एक्सप्लोरेशन स्टेज है जो टीचर्स स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट एक्टिविटीज देते हैं उनको जीनी तौर पे तैयार करने के लिए फिर कंसेप्ट इंट्रोडक्शन है ये वो टीचिंग का आमली स्टेज है जिसमें टीचर नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर तीसरे नंबर पे कंसेप्ट एप्लीकेशन है ये वो स्टेज है जब टीचर लर्नर्स को इस काबिल बनाता है कि उन, उनकी थिंकिंग नई सीखी गई मालूम को कंसेप्ट को नई सिचुएशन में लागू कर सके और इस तरह साइकिल चलता रहता है फिर एक्सप्लोरेशन फिर कंसेप्ट इंट्रोडक्शन फिर कंसेप्ट शन और यह कई टीचिंग सेशन पे मुनसर होता है बिल्डिंग एंड प्योर नॉलेज सबका मालूम की बुनियाद पर नए मालूम को बिल्ड करना इफेक्टिव लेसन प्लानिंग कनेक्ट द स्टूडेंट्स प्योर नॉलेज टू न्यू कंसेप्ट मोसर सबकी मनसूबाबंदी पुराने और नए नॉलेज की लिंक्स बनाता है अ टीचर प्लानिंग लेसन विदाउट अकाउंटिंग फॉर द स्टूडेंट प्रॉलेज इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट बिंग सर्टन ऑफ द फाउंडेशन अगर कोई टीचर प्रियोर नॉलेज को सबिका मालूम को तलबा की उसको हाथिर में न लाइए ऐसा है जैसा एक मकान बनाने वाला बगैर बुनियाद के मकान बनाता है तो वो फिर देर पा नहीं होते

प्रोवाइडिंग द्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट फॉर लर्निंग टीचर्स तलबा की अमोजिश को प्रोमोट करते हैं किस तरह उनको मोजू सीखने का माहौल फराहम करते हैं किस तरह लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आसान तरीका यह है कि हर लेसन शुरू करने से पहले गुजस्ता लेसन को समराइज कराए तलबा से फॉर मोर एडवास ग्रुप द टीचर स्टूडेंट टू प्रिडेक्ट द कॉन्टेंट ऑफ टमारोज लेसन अगर बड़ी क्लास है तो फिर टीचर ये कर सकता है या कर सकते हैं कि वो आने वाले लेसन के बारे में स्टूडेंट से प्रिडेक्शन ले पेशों ले एक्टिव लर्निंग फाल सीखने का अमल ये ऑब्जेक्टिव पे एस पे मुंहसर है कि टीचर कौन से टेक्निक इस्तेमाल करें Uh, मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता या कर सकती है एक्टिव लर्निंग क्रिएट करने के लिए तलबा के लिए यूजिंग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग एड्स आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग मोर एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर एक तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज है uh, या uh, एक ही तरह के तदरसी मामनात है तो फिर इससे एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा बल्कि ऑफ स्ट्रेटजीज और टीचिंग एड्स जो है ये लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है और स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट अगर लेसन प्लान स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक को तो एंगेज होते हैं और फिर माहौल जो है वो फाल के लिए बनता है अभी रिसर्च पर अपनी पांच इजाफी अमलियों को देखते हैं नंबर वन ऐसे इस्पाक बनाए जो इंतहाई अहम तस्वूर या महारतों पर मरकूज हो और गैर जरूरी मालूमात या खलफशार को कम से कम करें नंबर टू अहम और मुश्किल से समझ, समझने वाले तस्वूर की वजाहत तक़वीत या बढ़ाने में मदद के लिए काफी मुतलिका मिसालों हक कानियां या सिचुएशन का इस्तेमाल करें इन मिसालों को मुख्तलिफरी से इस्तेमाल करें ताकि तलबा मौजू के सरसरी नजरिए की बजाय इलम का नेटवर्क हासिल करें इससे वह मुस्तबिल के मुख्तनामों में मालूम का इतलाक और फर्क कर सकेंगे नंबर थ्री मौजू की अहमियत पर जोर देने के लिए निसाबी मौद को मरकजी ख्याल नजरिया मॉडल वक्त और आइडिया के गिर तरतीब दें और पेश करें नंबर फोर जायजे तकरार याद करना याददाश्त के आलात की तख्लीक और निसाब के तस्वर का तलबा के मामूल के फरैज के तौर पर करना जरूरी है नंबर फाइव तलबा के मुताल और याददाश्त के मामनात को इस्बाक से पहले तैयार करें लबा को अपने ख्याल के नमूनों और मतलब के वक्त को मनजम करने में उनकी मदद करें ताकि वो टीचर्स पर की बजाय इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन सके और अपनी सीखने के अमल को गाइड करने के काबिल हो सके ये रिसर्च में अपनी पांच स्ट्रेटीज थी इसके बाद सबकी मनसूबाबंदी करने के लिए खसूस गौर करने की दस बातों को देखते हैं नंबर वन इंट्रेक्टिव क्लासरूम को यकी बनाना जो तलबा की शमूलियत को अहमियत देता है नंबर टू सुनने वालों की नौत और तनु के बारे में समझना और मनसूबाबंदी करना नंबर थ्री जो तलबा बाकायदगी से हिस्सा नहीं लेते उनकी हौसला अफजाई के लिए तकनीक तैयार करना नंबर फोर मुनासिब तकरार के साथ मौजूत में मजमून से मुतलिक जखरे अल्फाज को मरबूत करना नंबर फाइव शहरीत का मॉडल पेश करने और एहतराम सिखाने के लिए मौाक़ की तलाश करना नंबर सिक्स तरीकों के मजमूर की निशानदही करना जो दिए गए तलबा की पॉपुलेशन के लिए बेहतरीन नतज पैदा करने के लिए लागू कर सके नंबर सेवन सबक के लिए दरकार वसायल और या मवाद की निशानदही करना नंबर एट इस बात का तयन करना के तलबा की अमोजिश की जाँच कैसे होगी नंबर नाइन इस बात को यकीनी बनाना के मुतय वक्त में ही लेसन का, को मुकमल किया जा सके एंड नंबर टेन सबक मनसूबाबंदी से यह सवाल कह क्या इस टॉपिक को पढ़ाने का यही बेहतरीन तरीका है क्या इससे बेहतर कोई तरीका है इसके बाद इस टॉपिक के हाउ स्टूडेंट्स लर्न रिव्यू क्वेश्चन है अपने आप का जायजा लेने के लिए थिंक अबाउट अ क्लासरूम दैट यू हैव ऑब्जर्व और टॉट इन ऐसे क्लासरूम का सोचिए जो आपने मुशाह किया या आपने उसमें पढ़ाया हाउ डू यू डिस्क्राइब द क्लास रूम इन्वायरमेंट उस क्लासरूम के माहौल को आप कैसे बयान करेंगे हाउ माइट दिस इन्वायरमेंट अफेक्ट द टाइप्स ऑफ एंड एक्टिविटीज़ क्लासरूम क्या वो माहौल क्लासरूम का वो माहौल आपकी टीचिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले लेसन और सरगर्मियों को इफेक्ट कर, करता है या नहीं इस हवाले से आप बयान करें तो ये रिव्यू uh, क्वेश्चन था uh, इस टॉपिक का uh, जो कि प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज का हिस्सा है